आपको याद होगा प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो गया था हम लोगों का, उस प्रोसेस अकाउंट में हम लोग एक टॉपिक जो कि ऑनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली सीएमए में आता है और ऑनर्स में देना शुरू किया है, उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट और इफेक्टिव प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, उसका ये स्टेटमेंट है। सारे टॉपिक, चार टॉपिक बनता है, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फर्स्ट क्लास किसी का छूट गया है तो इसका वीडियो अपलोड करेंगे हम, आप वहां से देख के समझने का कोशिश करना। हम यहां पर बता रहे थे, थोड़ा फोकस कर दें, WIP क्लोजिंग। क्लोजिंग में जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, CD से जब BD करेंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए मटेरियल भी लग सकता है, लेबर भी लग सकता है और ओवरहेड भी लग सकता है। जिस समय वो CD था कितना कंप्लीट हुआ है ये दे देता है, और उसी को लेके हम लोग सम्स को बनाते हैं। ओके, चलो अभी हम लोग सम्स नंबर देखेंगे 8.9। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखिए यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, वैसे ही बता देते हैं, जो पिछले क्लास में आए थे उसी को यह समझ में आएगा लाइव क्लासेस में, और अगर जो पिछले क्लास में नहीं आए तो यह समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स के लिए है, बट ऑनर्स में आना शुरू हो गया है, जो कि हम 2013 के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे पीछे में 15 में 17 में ऐसे करके आ रहा है। अगर आप CMA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको बिना किए नहीं होगा, इसलिए इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है। मैंने पूरे पिछले क्लास में काफी सारे सवाल करवाए थे, अभी हम लोग फिर इस क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास 2000 यूनिट्स, और वो 2000 यूनिट्स में मटेरियल 100% कंप्लीट है। देखेंगे मटेरियल 100% कंप्लीट है, लेबर 60% कंप्लीट है, ओवरहेड 60% कंप्लीट है। इसका मतलब जब हम इसको कंप्लीट करने के लिए जाएंगे तो मटेरियल हमको कुछ भी इनपुट नहीं करना पड़ेगा इसमें, बट लेबर और ओवरहेड 40% इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। यूनिट इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस, अभी जो हम लोग यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट इनपुट किए हैं। पहले से 2000 यूनिट था, 2000 पहले से था, 8000 अभी हम लोग और डालें तो पूरा 10000 हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स, इसका मतलब जो टोटल 10000 यूनिट है, टोटल 10000 यूनिट हुआ, 8000 यूनिट बोल रहा है कि यूनिट इंट्रोड्यूस किए इनटू द प्रोसेस वन, और कंप्लीट कितना हुआ नीचे में दे दिया, 8000 यूनिट्स वे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि 2000 पहले का कंप्लीट किए और अभी जो हम लोग इनपुट किए थे 8000, उसमें 6000 कंप्लीट हुआ, 2000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रह गया। देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है 2000 बोलता है उसमें मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर 50% लगा है, ओवरहेड 50% लगा है। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लोग यही निकालते हैं कि कितना इनपुट किए थे उसका इक्विवेलेंट कितना होता है, ये हम सारे पहला क्लास में करवा चुके हैं। आगे देखो बोलता है जो प्रोसेस कॉस्ट है मटेरियल का 95000, लेबर का 60000, ओवरहेड का 30000। फीफो मेथड को अंडरलाइन करो, हम बताए थे आपको कि कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग फीफो मेथड को अप्लाई करेंगे, लेकिन अदर मेथड अगर बोल देगा तब कैसे करेंगे, इसलिए मैं दो सम्स करवाने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया से सुनेंगे समझेंगे। ये सम्स फीफो मेथड है, फीफो मेथड को सर्कल में ले लो, आप पूरा सर्कल में ले लो, क्योंकि एग्जाम में क्या कुछ नहीं बोलेगा तब तो आपका सम सही हो जाएगा, और कहीं अगर फीफो के जगह एवरेज मेथड बोल दिया तब सम्स आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप मटेरियल में सीख चुके हैं फीफो मेथड किसको बोलते हैं, लीफो मेथड किसको बोलते हैं, एवरेज एंड वेटेड मेथड किसको बोलते हैं, आप ये सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 2000 मेरा ओपनिंग WIP है, यूनिट्स
आउटपुट में भी यूनिट्स लिख दो, ये तो यूनिट्स है ही। देखो 2000 ओपनिंग WIP था और ये 2000 पूरा आउटपुट हो गया, क्योंकि 8000 यूनिट जो बना है उसमें 2000 यूनिट ये भी तो है। देखो इसको कंप्लीट करने में मटेरियल कुछ भी नहीं लगा, बट देखो लेबर 60% कंप्लीट था तो कितना लगा होगा, 40%। किसका 40% लेंगे, तो 2000 का 40% कितना होगा? ये कैसे आया मैं यहां पर आपको करवा दे रहा हूं, पिछले क्लास में भी करवाए थे ना। ओवरहेड देखो 60% कंप्लीट था तो नो डाउट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 40% 800। कैसे हुआ तो ये जो 2000 है इसी का हम लोगों ने 40% लिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यूनिट इंट्रोड्यूस आपने किया 8000, इनपुट हम लोगों ने किया, इंट्रोड्यूस किया, बोल रहा है उसमें से 8000 यूनिट ट्रांसफर हुआ है सेकेंड प्रोसेस में, तो 2000 ये और 6000 ये, टोटल 8000। यानी ये जो 6000 है इसमें मटेरियल कितना लगा, पूरा 100% यूनिट इंट्रोड्यूस ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। इसमें मटेरियल 100% लगा, जो गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा उसमें मटेरियल तो पूरा लगेगा ना, लेबर भी कितना लगा 100% और ओवरहेड भी 100%। याद कीजिए अगर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सही निकलता है तो सब कुछ सही निकलेंगे। क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP तो 2000 है और इस 2000 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2000 में बोलता है मटेरियल 100% कंप्लीट है तो 2000 का 100% कितना हो जाएगा, 2000। लेबर कितना कंप्लीट है तो 2000 का 50% 1000 एंड ओवरहेड भी 50% कंप्लीट है 1000। यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं 2000 का 50% इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गया, इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, आप इसको करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट इसको कीजिए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हुआ, मटेरियल 8000 यूनिट्स, ये हो गया 7800 यूनिट्स और ये भी हो गया 7800 यूनिट्स। बढ़े आगे, इसके बाद क्या बनता है, ये तो पहला बना, दूसरा क्या बनेगा बोलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फीफो मेथड है याद रखेंगे, यहां लिख दीजिए फीफो मेथड का कैलकुलेशन तब आपको पता चलेगा। ये मिटा रहे हैं हम, पूरा तो नहीं मिटाएंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट में ये बनाना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं,
जो इसके अंदर फिगर्स लिए हैं हम लोग, जो डाटा है उस डाटा को हम लोगों ने मिटा दिया। बनाइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या क्या दिया हुआ है बोलिए। मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या दिया हुआ है बोलिए। लेबर का कॉस्ट। एंड थर्ड वन ओवरहेड्स। कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है बोलिए। 95,000, 60,000 एंड 30,000। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी हुआ है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल कितना हुआ है बोलिए। 8,000 यूनिट्स, लेबर और ओवरहेड 7,800 यूनिट्स करके हुआ। कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा, हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 95,000 टोटल मटेरियल में लगा है, 8,000 यूनिट्स हमारा बना, तो 11.875 कितना आया। इसी तरह से 60,000 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 7,800 से 7.692 आएगा। 30,000 को 7,800 यूनिट से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3.846 आएगा। टोटल कर दीजिए, देखिए कितना आता है, कितना 23। चलो जल्दी से आप कंप्लीट करो। प्रोसेस अकाउंट बोला है बनाने के लिए, इसके बाद जल्दी से कॉपी करिए, हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। बट इसके बाद क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, याद है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, जिसको हम बताए थे कि अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो काम आपका हो सकता है, बताए थे ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा काम हो सकता है, उसको देखते हैं। डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट पे जाइए, मिटा देंगे। यूनिट्स एंड अमाउंट्स बोलना शुरू कर रहे हैं, बढ़िया से देखो। सम्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2000 यूनिट्स, और उसका टोटल अमाउंट कितना लगा था देखिए, 5000, 3000, 1500, यानी टोटल लगा था मेरा कितना, 9500। इसके बाद जो आपने प्रोसीड्स किया था, इंट्रोड्यूस किया था ना 8000 यूनिट्स, उसके लिए कितना कितना खर्च लगा था बोलिए। दिया हुआ है देखिए, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है और ओवरहेड दिया हुआ है। ये 8000 यूनिट्स का है, 95,000, 60,000 और 30,000। बोलना शुरू करें, देखो ध्यान से। बोल रहा है इसमें से ये जो मेरा टोटल 10,000 यूनिट्स हुआ, ये टोटल जब आप करेंगे तो 1,94,500 होगा। इसमें दो काम हुआ है, बोलता है 8,000 तो हम लोग प्रोसेस टू में ट्रांसफर किए हैं बाय प्रोसेस टू अकाउंट। जब हम प्रोसेस अकाउंट करवाए थे उस समय हम आपको बताए थे कि इसमें ओवरहेड बोल के एक हेड है जिसको अलग से हम लोग को कराना पड़ेगा। वो तो आसान बात था, वो तो हो गया, पास कोर्स में वो आएंगे।
ओनर्स में 1000% यही आएगा। और अगर आप भूल से प्रोफेशनल्स एग्जाम्स की तरफ जाते हो तो यही आएगी। प्रोसेस टू, बाई प्रोसेस टू में कितना ट्रांसफर हुआ है बोलिए, 8000 यूनिट्स और क्लोजिंग मेरा है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना यूनिट है 2000। देखो यूनिट्स तो हम लोग बैलेंस कर लिए बट अमाउंट कैसे लिखेंगे। अगर ये फीफो मेथड नहीं होता, फीफो मेथड अगर नहीं होता तो ये जो मेरा बाई प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर रहे हैं 8000 यूनिट्स इनटू जो यूनिट का प्राइस है उससे इनटू कर देते, यानी मेरा इनटू का इनटू करते कितना से 23.413। बट फीफो मेथड में क्या होता है बोलिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले तो यहां पर आप जो बनाए थे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन उसको जरा देखिए, उसमें सबसे पहले जो 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ऑलरेडी मटेरियल तो कुछ भी नहीं लगा था, तो आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। अभी आप अगर फिफो मेथड नहीं रहता तो 8000 इंटू 23.413 जो टोटल कॉस्ट आया है यहां पर आप ट्रांसफर कर देते, बैलेंस इसको लिख देते। बट अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर फिफो मेथड रहेगा ना, फिफो मेथड अगर मेंशन कर दिया तो यहां जैसे बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। अगर फिफो मेथड मेंशन कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि ओपनिंग का जो WIP है उसमें जितना इक्विवेलेंट पैसा लगा उसका कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम क्लोजिंग WIP का आप कैलकुलेशन करके यहां अमाउंट लिख देंगे और इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, जो आएगा वो मेरा बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि एक जो यहां पर थर्ड चीज बनता है स्टेप थ्री जो हम आपको लिखवाए हैं, वो स्टेप थ्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट या स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन हम लोग करेंगे, उससे अच्छा है कि इवेल्युएशन मत का मतलब इवेल्युएट कर देते हैं, अलग अलग करते हैं, सबसे अच्छा है। यहां पर आप पूरा में दिमाग में बिठा लीजिए, हम लोग कहीं पर वो काम किए थे, कहीं जल्दी से नहीं किए थे, हर जगह बैलेंस करके टेक्निक से निकाल ले रहे थे। अभी आप ना क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकाल लीजिए, ये जो 2000 है ये तो क्लोजिंग का है, उसमें देख लो मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है, कितना कितना लगा है तो आपको तो पर यूनिट दिया ही हुआ है। तो एक वैल्यूएशन करो क्लोजिंग स्टॉक का WIP का, जल्दी से आप क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन करिए, क्योंकि हम तो यहां पर अभी लिखेंगे, हम वैल्यूएशन अभी बाद में दिखाते हैं। आप कर लीजिए, कितना आया कोई बताइए, कितना आया 35288। ओके, तो ये जो आएगा ना यहां पर बैलेंस लिख दो, ये देखो जी बैलेंस लिख दे रहे हैं 1,94,500 में से 35288 चला गया तो आ गया 1,59,212। मिटा दें इसको, अभी हम दिखा दे रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन आया 35288 कैसे आया। इसलिए थर्ड स्टेप करना चाहेंगे कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन, क्लोजिंग WIP मटेरियल कितना लगा बोलिए 2000 यूनिट इंटू रेट कितना था बोलिए, तो 11875 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो आप निकाले हैं, मटेरियल 100% कंप्लीट था इसीलिए देखिए क्लोजिंग में आपने 2000 यूनिट्स लिखा है। देखें इसी तरह से यहां पर देखेंगे क्लोजिंग का हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेबर को 2000 से नहीं इंटू करेंगे क्योंकि वहां 50% था, देखिए आपने 1000 लिखा है, कितना लिखे हैं 1000 इंटू 7.692
ओवरहेड भी 1000 लिखेंगे इनटू 3 पॉइंट कितना आया था 846 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हो गया पूरा आया समझ में